स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी की जीत पर रामनगर में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। ब्रीफिंग के बाद रेस्क्यू टीम हुई रवाना। बाबा विश्वनाथ जगदीश शीला डोली का लड़ीधुरा मंदिर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों से किया गया स्वागत। एनएच किनारे खतरा बने पेड़ों को वन विभाग ने किया चिन्हित। पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर निगम एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से चलाया गया स्वच्छता अभियान। पर्यावरण दिवस पर जीरो वेस्ट इवेंट के दो विशेष कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिटी पार्क देहरादून में किया वृक्षारोपण। मांगे पूरी न होने पर छात्र नेताओं ने लोहाघाट महाविद्यालय में अनिश्चित काल के लिए की तालाबंदी। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को लोकसभा चुनाव के नतीजे में उत्तराखंड की पांचों सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की ऐतिहासिक जीत को लेकर पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थान पर भाजपा कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। तो वहीं रामनगर में भी मंगलवार की शाम को पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी की जीत पर रामनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने रामनगर विधायक दीवान सिंह विष्ट एवं पार्टी के अध्यक्ष मदन जोशी के नेतृत्व में रानीखेत रोड पर जमकर आतिशबाजी करने के साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और मिष्ठान वितरण किया। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, पार्टी का अपना एक ध्येय होता है, एक विचार होते हैं, उसके तहत पार्टी ने नारा दिया था 400 के पार। ठीक है, जनता ने जितना भी सबको दिया है, बहुमत दिया है गठबंधन को, उसके लिए हम जनता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उनको देखते हुए, उन्हीं के नेतृत्व में उत्तराखंड में भी पांच की पांच सीट, यहाँ भी कहा जा रहा था कि तीन जीतेंगे दो जीतेंगे, लेकिन यहाँ की जनता ने एक अच्छा बहुमत दिया, हर कैंडिडेट को अच्छे मतों से जीता है। कहीं कहा जा रहा था 20,000 से जीतेंगे, कोई 10,000 से कह रहा था, लेकिन जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र भाई मोदी जी पर विश्वास करते हुए जिस प्रकार से अपना मैंडेट दिया है, मैं अपने उत्तराखंड के और अपनी विधानसभा रामनगर के भी मतदाताओं को बहुत आभार व्यक्त करना। जो हमारी अपेक्षाएं थी, हमारा था कि हम 15,000 के आसपास जीतेंगे, तो लगभग लगभग उसके किनारे हम पहुंचे हैं। मैं क्षेत्र की जनता का और विशेषकर जो उनका हमको सहयोग मिला, कार्यकर्ताओं का सहयोग तो है ही, जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने पूरे चुनाव में, कभी कभी ऐसा लगता था कहीं हम कार्यकर्ताओं को बहुत, लेकिन कार्यकर्ताओं ने संगठन का जो आदेश था उसको माना। शुरुआत से ही कार्यकर्ता लास्ट तक, जब तक वोटिंग हुई थी और तक पूरा अपना कार्यक्रम जो भी केंद्र से सरकार से या संगठन से मिला उसको किया। आज हम इसी का परिणाम है कि उत्तराखंड में हम पांचों की पांचों सीटें अच्छे बहुमत से। जब बलून जी का टिकट फाइनल हुआ तो कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह था, वही उत्साह आज भी कार्यकर्ताओं में देखने को बनता है, क्योंकि सबको बताते हैं एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट रामनगर और पौड़ी को, पौड़ी गढ़वाल को मिला हुआ है। और जब वो सांसद नहीं थे उससे पहले उन्होंने यहाँ इतने विकास कार्य किए थे, तो उसी कार्य पे जनता ने मोहर लगाई है और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने जी जान से जुटकर आज ये रिजल्ट मिला है कि हम 13,000 से रामनगर विधानसभा जीते हैं। पौड़ी हम 2,00,000 के करीब मतों से जीते हैं, तो भारी रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। वो लोग जो कहते थे कि 4,000 का अंतर आएगा, नहीं जीतेंगे, टक्कर है, तो वो सारे उनके जो कयास थे सब विफल हुए और भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। उत्तराखंड में पांचों सीट हमें मिली है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर्षोल्लास से, खुशी से आज मिष्ठान वितरण और आतिशबाजी कर रहा है। और हमें पूरी उम्मीद है बलूनी जी रामनगर के लिए विकास का नया आयाम लिखेंगे, पौड़ी के लिए और अच्छी अच्छी योजनाएं केंद्र से वहां पर लाएंगे। आपको बता दें कि जनपद टिहरी और उत्तरकाशी के मध्य स्थित सहस्त्रताल ट्रैक पर गए 22 सदस्यों वाले एक ट्रैकिंग दल के खराब मौसम में रास्ता भटक जाने के कारण इसके 4 सदस्यों के मृत्यु होने और बाकी सदस्यों के इस उच्च हिमालय ट्रैक रूट में फंसने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि हिमालय व्यू ट्रैकिंग एजेंसी मनेरी के द्वारा मल्ला सिल्ला खुश कल्याण सहस्त्रताल ट्रैक पर एक 22 सदस्यीय ट्रैकिंग दल, जिसमें कर्नाटक के 18 सदस्य और महाराष्ट्र का 1 सदस्य और 3 स्थानीय गार्ड शामिल थे, जो 29 मई को सहस्त्रताल के ट्रैकिंग अभियान पर रवाना करवाया गया था। इस ट्रैकिंग दल को आगामी 7 जून तक वापस लौटना था। इसी दौरान अंतिम शिविर से सहस्त्रताल पहुंचने के दौरान मौसम खराब होने से यह दल रास्ता भटक गया। संबंधित
ट्रैकिंग एजेंसी ने खोजबीन करने पर इस दल के 4 सदस्यों की मृत्यु होने की सूचना देते हुए ट्रैक में 13 सदस्यों के फंसे होने की घटना से अवगत कराया, जिसके बाद सेना नायक मणिकांत मिश्रा ने ब्रीफिंग के बाद रेस्क्यू के लिए टीम रवाना की। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। बाराकोट के लड़ीधुरा मां भगवती मंदिर में गढ़वाल मंडल के विशोन पर्वत से पहुंची बाबा विश्वनाथ जगदीश शीला डोली का कुमाऊं के प्रसिद्ध नगाड़ों की नौबत बजाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र की महिलाओं ने कुमाऊं की प्रसिद्ध ओढ़नी ओढ़कर गढ़वाल से पहुंची डोली पर पुष्प वर्षा की एवं मंगल गीतों का गायन किया। लड़ीधुरा शैक्षिक एवं सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष नागेंद्र जोशी द्वारा मंदिर में गढ़वाल से डोली के साथ आए हुए सभी अतिथियों का मंदिर परिसर में स्वागत किया गया। तदुपरांत डोली लेकर आए डोली यात्रा के संयोजक प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नेथानी द्वारा डोली के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। ये विश्वनाथ जगदीश शिला डोली इस वर्ष 25वें वर्ष में लड़ीधुरा माँ काली और दुर्गा के मंदिर में पहुंची है। इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है वो विश्व में शांति कायम हो, देव संस्कृति जिंदा रहे और जो हमारा उत्तराखंड है जिसको देवभूमि बोला जाता है, यहाँ पर 4 धाम के अलावा ऐसे हजार शक्तिपीठ हैं जिनको कि आदेश है विश्वनाथ जगदीश शिला डोली का कि 1000 धाम यहाँ स्थापित किए जाएं। उसी श्रृंखला में आज यहाँ पर डोली आई है लड़ीधुरा में माँ काली और दुर्गा के मंदिर में। मैं अपनी तरफ से समिति वालों को, अध्यक्ष जी को और तमाम साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने भव्य मंदिर और इतना भव्य स्थान इन्होंने निर्मित किया है और निश्चित तौर से ये 1000 धामों की श्रृंखला में यह स्थान एक धाम का स्वरूप लेगा, ये बाबा का आदेश। आगामी मानसून सत्र को देखते हुए टनकपुर घाट NH में वाहनों व लोगों के लिए खतरे का सबब बने पेड़ों का वन विभाग व NH की टीम के द्वारा चिन्हीकरण किया गया। लोहाघाट रेंज में वन क्षेत्राधिकारी दीप जोशी के निर्देश पर वन दरोगा नंदा वल्लभ भट्ट भास्कर नैनवाल के द्वारा खूना लोहाघाट व मरोड़ा खान क्षेत्र में NH किनारे खतरा बने पेड़ों को चिन्हित किया गया ताकि समय से इन पेड़ों का निस्तारण हो सके और किसी भी प्रकार की दुर्घटना व जनहानि न हो सके। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। की तरफ झुकाव हो रहा है, उनकी काम की कर रहे हैं। ये करीब 20 उधर हो गए खूना में, नाभोन में और 8 पेड़ यहाँ बनगांव वन पंचायत में चल रही कार्रवाई। तो आगे थी? आगे जाएंगे हम, यह मड़ो खान तक लोहाड़ होते हैं। पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर निगम एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से स्वच्छता अभियान एवं एक रैली अटरिया मोड़ से सिडकुल ढाल तक निकाली गई और स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान वृक्षारोपण भी किया गया। प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में लाल किला से शपथ ली थी और देश के अंदर स्वच्छता अभियान चलाने की बात की थी तो इसका असर आज देश के अंदर दिखता है। आज हमारे बच्चे भी अपने कूड़े को बाहर नहीं फेंकने देते हैं। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में पहली बार शपथ ली थी, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से ही घोषणा की थी और उन्होंने लोगों को आह्वान किया था कि स्वच्छता अभियान हमें जीवन में अपनाना चाहिए और इसके महत्व को उन्होंने बताया था। तो आज उसी के तहत आज पर्यावरण दिवस भी है। हमने और नगर निगम की सारी टीम ने मिलकर और बहुत सारे NGO थे, उन सारे संगठनों ने मिलकर आज अटरिया रोड पे अटरिया मंदिर मोड़ से लेकर सिडकुल ढाल तक हम लोगों ने एक विशेष सफाई अभियान चलाया। वहाँ पे हमने रैली भी निकाली, वहाँ पे हमने वृक्षारोपण भी किया और एक लोगों को मैसेज देने का काम किया। आप देख रहे हैं कि अभी 46 डिग्री तक तापमान अपने यहाँ चला जा रहा है और एक समय वो था कि हमें बुजुर्गों ने पेड़ दिए थे, हरियाली दी थी, आज सब खत्म हो गया है। तो मैंने फिर जनता से आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अभी 15 जुलाई के बाद जब बरसातें आएंगी सभी लोग पेड़ लगाएं ताकि हम पर्यावरण को हरा भरा कर सकें, उन पेड़ों की रक्षा करें, साथ ही स्वच्छता को अपने जीवन में ढाल लें। क्योंकि हमेशा हम जब अपने से स्वच्छता अभियान शुरू करेंगे तो मैं समझता हूँ ये देश पूरा साफ होगा और ये पर्यावरण पूरा फिर से संतुलित होकर हमें अच्छी ऑक्सीजन देगा। पर्यावरण दिवस पर प्रशासन व रुद्रपुर नगर निगम द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस और जीरो वेस्ट इवेंट के 2 विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर एक भव्य रैली का आयोजन किया गया जो अटरिया पुल से सिटकुल ढाल तक निकाली गई। रैली में शामिल लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के नारे लगाए और जनता को स्वच्छता और हरितता के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर पौधारोपण अभियान और स्वच्छता अभियान भी चलाया गया जिससे पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाई गई। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं सबसे पहले तो अपने क्षेत्र की जनता को मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और साथ ही साथ उनसे अनुरोध करता हूं कि जो पर्यावरण दिवस है ये केवल एक रस्म अदायगी के तौर पर हम लोग ना इसको जीवन में उतारें बल्कि इसे कोशिश करें हम यथार्थ के रूप में इसको अपने जीवन में उतारें। सामान्य तौर पर देखने में आता है कि आदमी एक छोटा सा पेड़ लेता है, फोटो खिंचवाता है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डालता है, उसे लगता है कि मेरा काम हो गया। ये काम नहीं है, आपका काम ये कि एक तो मेरी अनुरोध है कि आप 100 पेड़ मत लगाइए, आप 10 लगाइए, लेकिन बड़े पेड़ लगाइए ताकि उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा हो। और जिस पेड़ को लगाएं उसकी परवरिश करना भी आपकी जिम्मेवारी है। और मेरा सबसे अनुरोध है कि अपने बच्चों के जन्मदिन पे, अपना जो आपके अगर कोई पूर्वज है चले गए हैं उनकी पुण्यतिथि पे, अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे, ऐसे जो कुछ ऐसे मौके होते हैं जो आपके जीवन में अहम होते हैं उन मौक़ों पे आप एक पेड़ लगाइए, अपने बच्चों को उसकी जिम्मेवारी दीजिए ताकि बच्चों में हमारे ये प्रेरणा मिले और बच्चों में ये संस्कार जाए कि पेड़ों को बचाना कितना ज़रूरी है। और हम जिस तरह से अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बड़ों का आदर करो, झूठ मत बोलो, तमाम तरीके के संस्कार हम अपने घरों में देते हैं, तो साथ ही साथ हम एक उस पाठ्यक्रम में ये भी जोड़ें कि पेड़ों को बचाना हमारी जिम्मेवारी है और इस पेड़ों को बचाना और उनको लगाना और उनका सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है, तभी पर्यावरण बच पाएगा और तभी आने वाले समय में ये स्वच्छ पर्यावरण रह पाएगा जिसकी कि आपको, हमको, हमारी नई पीढ़ी को सबको आवश्यकता है। और आज ज़रूरत है कि हमारे वाली पीढ़ी को, कि हम कोशिश करें कि अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा पर्यावरण देके जाए, एक अच्छा वातावरण देके जाए और एक ऑक्सीजन भरा वातावरण देके जाए ताकि उनको बीमारियां ना हो, वो स्वस्थ रहें, वो दीर्घायु हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात, और मेरा आप सबसे एक और अनुरोध भी रहेगा कि हम जब छोटे थे तो हम देखते थे कि हमारे माँ बाप हमें थैला लेके बेचते थे, खुद भी बाज़ार में एक कॉटन बैग लेके जाते थे, लेकिन आज की तारीख में एक ऐसी स्थिति हो गई है कि हम हाथ हिलाते हुए बाज़ार जाते हैं और पन्नियों का जखीरा लेकर हम घर पहुंचते हैं। वो जखीरा नहीं है बल्कि अपने लिए एक सरदर्दी, एक बीमारी हम लोग लेके आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वो पर जब भी पॉलीथीन, एक तो गलती नहीं है और अगर उसको जलाते हैं तो उससे ऐसी जहरीली गैसें होती हैं जिससे कि कैंसर जैसी बीमारियाँ फैलती हैं। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इन बीमारियों से बचा पाएँ इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी आदत में शुमार करें कि हम बाज़ार जाएंगे तो कॉटन बैग लेके जाएंगे, पॉलीथीन को हम ना कहना सीखें। अगर कोई पॉलीथीन दे भी रहा है तो आप उसे कहिए कि पॉलीथीन नहीं लेनी है आपसे। अगर हम जिस दिन ये कहना सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने पर्यावरण को सबसे बड़ा सहयोग कर पाएंगे क्योंकि पॉलीथीन आज पर्यावरण के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। जो नगर निगम रुद्रपुर द्वारा जो आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो ये पौधारोपण का कार्य यहाँ पर जो आयोजित किया गया है और इसमें सभी जो है यहाँ महानुभाव लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और वृक्षारोपण का कार्य सभी के द्वारा इसमें किया जा रहा है, तो मैं इस अवसर पर ये बताना चाह रहा हूँ कि क्यों हमारे लिए जो है पौधारोपण किया जाना बहुत आवश्यक है। जैसा आप जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो एक तो वायुमंडल में ऑक्सीजन हमें देते हैं जिससे कि हम लोग स्वस्थ रहते हैं ऑक्सीजन की वजह से, दूसरा ये जो है उसके साथ जो है जो मौसम में जो परिवर्तन होता है, जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको भी जो है बैलेंस रखने में, उसको भी संतुलित रखने में पौधे मदद करते हैं, तीसरा भूमि संरक्षण में भी जो है पौधों का बहुत बड़ा रोल होता है, और चौथा जो है ये जो बड़े वृक्ष होते हैं वो हमें छाया भी प्रदान करते हैं और एक एज के बाद जब पौधा कटता है तो उसके बाद ईंधन भी हमें वृक्षों से प्राप्त होता है। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो वृक्ष जो है सभी तरीके से हमें फ़ायदेमंद है, फलदार वृक्ष जो है वो उनसे फल प्राप्त होता है और जो औषधि गुणों वाले पौधे हैं उनसे औषधि के रूप में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें प्राप्त होती हैं। तो हर तरीके से जो है पौधारोपण किया जाना हमारे लिए बहुत ही पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है और इसके साथ साथ जो है आप देखेंगे कि पौधे जो है पर्यावरण संरक्षण उसके साथ में जो है को संरक्षण करने के साथ में और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है यहाँ पर पौधे होते हैं और एक पॉजिटिविटी वहाँ पे जो है वो रहती है हमारे काम कार्य करने में। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर कि हम अपने घर में और अपने आसपास साफ सफाई का भी जरूर ध्यान रखें जिससे कि बहुत सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं
और जो पॉलीथीन का जो हम उपयोग कर रहे हैं जगह जगह, जिससे कि हमारा जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है सब पूरा वो चोक हो जाता है, उसका उपयोग ना करें। जो हमारा सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको अवॉइड करें यूज़ करने के लिए। और जब भी बाजार में हम घर से बाहर निकलते हैं तो कोई कपड़े के थैले या जूट के थैले हम लेकर के इसमें जाएँ। और पौधों को लगाने के साथ साथ मैं कहूँगा कि उनका संरक्षण किया जाना बहुत ज़रूरी है। खाली पौधे लगा के हम भूल ना जाएँ, उनको संरक्षित भी करें ताकि बड़े होकर के उनका जो है वो जो पूरा लाभ है वो हमको प्राप्त हो सके। तो मैं आज विश्व जल दिवस सभी से ये अपील करूँगा कि जो भी शुभ अवसर आपके घर में होता है उस अवसर पे कम से कम एक पौधा अपने आसपास, अपने घर या आसपास जो भी क्षेत्र है जहाँ आपको उपलब्ध है भूमि, वहाँ पर जरूर लगाएँ। और इस तरीके से आप अपना और साफ़ सफाई रखें अपने आसपास और बाहर गंदगी ना फैलाएं। और इस तरीके से आप जो हमारे चारों तरफ वातावरण है, पर्यावरण है, उसको साफ सुथरा रखने में, सही रखने में अपनी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लो पक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। आज 20वां पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिटी पार्क देहरादून में वृक्षारोपण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह हमारा दायित्व है कि पर्यावरण बचाने के लिए हम सभी लोग संकल्पित रहें और हम लोग अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाएं, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां सामने आ रही हैं, वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं, जल स्रोत सूख रहे हैं, इसको देखते हुए हमें अधिक से अधिक संख्या में वृक्ष लगाने होंगे। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले तो आज विश्व पर्यावरण दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये दिवस हमारे लिए विशेष है, क्योंकि इस दिवस को हम सब संकल्प लेते हैं कि पर्यावरण के प्रति जो भी हम सबका दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, जो जिस रूप में भी कर सकता है उसे करे। इस वर्ष चूँकि वनाग्नि भी हुई है तमाम प्रकार से, पिछले सालों में जिस प्रकार हमारे जल के स्रोत कम हुए हैं और धरातल पर जो जल का स्तर है वह भी काफ़ी नीचे गया है, उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है, कमी आई है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग वृक्षारोपण करें, जल का संचय करें, जो हमारे स्रोत हैं उन स्रोतों पर विशेष रूप से ध्यान देकर वो स्रोत हमारे चलते रहें। नदी, नाले, हमारे गधेरे, गाड़, ये सब किसी न किसी रूप में रहें, और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे वृक्षारोपण का भी है। हमको आज के दिवस पर वृक्षारोपण का भी संकल्प लेना चाहिए, साथ साथ जल संचय का भी संरक्षण लेना चाहिए। सरकार की तरफ से हम पूरे प्रदेश के अंदर जुलाई माह में पेड़ सेवा भी एक दिन करेंगे, जिसमें हम सबको जोड़ेंगे, सबको सहभागी बनाकर सभी लोग अपने अपने स्थानों पर पेड़ सेवा करेंगे। उसी प्रकार जल का रिजुनेशन बोर्ड उत्तराखंड की सरकार बना रही है, लेकिन हमें अपने अपने स्तर पर भी अपने घरों से लेकर अपने दैनिक उपयोग में जल का संचय अधिक से अधिक करें, क्योंकि आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और ये हिमालय जिस प्रकार से आज कहीं ना कहीं हिमालय के सामने चुनौती है कि पूरे देश को, पूरे पर्यावरण को स्वच्छ रखना, सुरक्षित रखना, उसकी सुरक्षा करना, उसका संवर्धन करना, तो हम उस दिशा में भी हमारा पहला दायित्व तो बनता है, क्योंकि सबको शुद्ध हवा, शुद्ध वायु, शुद्ध जल कहीं से मिलता है, तो उसमें सबसे पहले हिमालय अपना योगदान देता है, इसलिए हिमालय भी बसना चाहिए और जल और पर्यावरण दोनों का संरक्षण होना चाहिए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो पक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। लोहाघाट महाविद्यालय के छात्र छात्राएं लंबे समय से अल्मोड़ा विश्वविद्यालय प्रबंधन व कुलपति से उनके रिजल्ट में सुधार करने की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा था। विश्वविद्यालय के इस रवैये से तंग आकर एवीबीपी के प्रदेश
सह मंत्री विवेक पुजारी के नेतृत्व में छात्र संघ पदाधिकारियों ने लोहाघाट महाविद्यालय में प्रधानाचार्य कार्यालय तथा महाविद्यालय के ऑफिस में अनिश्चितकाल के लिए तालाबंदी कर दी है, जिस कारण महाविद्यालय के सारे कार्य ठप हो गए हैं तथा रिजल्ट में सुधार न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी विश्वविद्यालय प्रबंधन को दी है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। विद्यार्थी परिषद और संपूर्ण छात्र संघ के पदाधिकारी द्वारा अपने पीजी कॉलेज लोहाघाट में जो लगातार 3 या 4 वर्षों से जो प्रॉब्लम चल रही है रियलिटी के संबंध में, हमने बहुत बार ज्ञापन दे दिया कि आप इसको ठीक करिए, पर कॉलेज के प्राचार्य मैम द्वारा लगातार हमको आश्वासन दिया गया कि आज ठीक करेंगे, कल ठीक करेंगे, टीम आने वाली है, परसों आएगी, कल आएगी, पहुँचने वाली है, कॉलेज पहुँची है, ऐसे करके बहाने जो बनाए जा रहे हैं, तो लगातार है, बच्चे भी प्रॉब्लम में है और इतने में आप जो दिखा रहा हूँ इतने सारे बच्चों का जो रिजल्ट खराब है, ये सिर्फ एक बच्चों का रिजल्ट एक एक बार दिए एप्लीकेशन है, ऐसी अनेक एप्लीकेशन हमारे कॉलेज में रखी जा रही है, बच्चों को दूर दूर से बुलाया जाता है कि आप लोग यहाँ ये सुधारीकरण के लिए दो ये पन्ने में लिख के लाओ, फिर इसको फेंक दिया जाता है, ये पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, बच्चों का रिजल्ट ठीक नहीं होता है, तो बच्चा 200-300 देकर कॉलेज में आता है महाविद्यालय में और ये जमा करता है तो उसका कोई हल नहीं होता, तो ये जो शिक्षा का जो व्यापारीकरण किया जा रहा है यहाँ पर सुभाषचंद्र यूनिवर्सिटी और हमारे कॉलेज द्वारा, बच्चा तो कॉलेज को जानता है, बच्चा यूनिवर्सिटी को नहीं जानता, तो कॉलेज द्वारा इसमें क्या एक्शन किया गया, कितने बच्चों के रिजल्ट ठीक करे उसका भी स्पष्टीकरण होना चाहिए, और मैडम जो कह रही है कि मैं नहीं जा रही हूँ, तो मैडम ने खुद उसमें पहले लिखित में दे रखा है कि जो छात्र संघ हमारा छात्र संघ और जो हमारे सांस्कृतिक सचिव की जो हमारी टीम है तो उसको पहले लिखित में दिया कि आप प्रोग्राम करो, मीटिंग कराई, उसका लिखित में भी दे रखा है कि तुम प्रोग्राम करो, लेकिन उसके बावजूद अब क्या किया जा रहा है, टीचरों को भी मैडम खुद नहीं जा रही प्रोग्राम में, और जो जिस डिपार्टमेंट के टीचर हैं तो उन टीचरों को भी बुला हो गया होगा, शायद उन्होंने भी बच्चों को नहीं बुला रखा है, तो इस प्रकार से एक देखा जा रहा है कि एक शिक्षा का व्यापारीकरण और हमारे छात्र छात्राओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगला कदम हमने दो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो हमारा चलेगा उसमें दूसरा दिन है तालाबंदी का, अगर जल्द से जल्द सुभाषचंद्र यूनिवर्सिटी के कुलपति हमारे महाविद्यालय में नहीं आते हैं जल्द से जल्द, तो यह आंदोलन को हम लोग एक बड़ा रूप देंगे, हम स्टेप बाई इसमें बैठक करेंगे छात्र संघ के पदाधिकारी अपने एबीवी के पदाधिकारी द्वारा, फिर यह आंदोलन अपने जिले में जाएगा, फिर जिले के बाद पूरे यूनिवर्सिटी में हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन जो बहाना माना जा रहा है कि सुभाषचंद्र यूनिवर्सिटी कुछ नहीं कर रही है, तो लेकिन इसमें मैं 50% गलती कॉलेज की मानता हूँ, 50% गलती यूनिवर्सिटी की मानता हूँ, केवल प्रिंसिपल रूम की और ऑफिस जहाँ से सब काम होते हैं, असल में ये बिल्कुल सही बात है कि इन बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैंने आपको भी पहले भी आपको बाइट दिया इस संबंध में, और हमने यूनिवर्सिटी को लगातार फोन किया, उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है हम किसी को भेज रहे हैं, और उन्होंने भेजा भी था एक आदमी जो कि अगले दिन सुबह ही बिना बताए चला गया, तो उसके बाद कल इन्होंने ये बंद कर दिया, आप ठीक नहीं करा पा रही हैं, तो पहले आप ठीक कराओ तब ये रूम खुलेगा, तो अब मैं पहले उनको ठीक करा रही हूँ, मैंने फिर कई बार बात की परीक्षा नियंत्रक से ताकि आप किसी को भेजे तुरंत, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम भेज रहे हैं आपके पास और ये आप सारे रिजल्ट आपके सही हो जाएंगे, तो जब इन्होंने मुझसे ये कहा कि जब तक रिजल्ट सही नहीं होंगे तब तक आप भाई आप भारी रहेंगे, तो मैं भारी हो सकती तो समाधान ठीक हो जाएंगे रिजल्ट्स, इसका जा रहा है कि अभी जैसे तैसे हमारे बच्चों के रिजल्ट सही हो, हम तो उसी चीज के लगे क्योंकि हमारे महत्वपूर्ण बच्चे हैं, हमारे लिए जब बच्चों ने हमें चुन के यहाँ पे भेजा है तो हमारा सबसे पहला काम ये बनता है कि बच्चों को सही चीज सही मिले, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे कुछ भी हो, इसलिए हमने कॉलेज में अभी लगातार एडमिशन चल रहा है, हमने एडमिशन में कुछ रोकथाम नहीं करी है, हमने सिर्फ जो अकेडमिक चीजें नहीं हो रही है जो होनी कार्य जिससे आगे बढ़ता है वो रोका है, ताकि यूनिवर्सिटी को कुलपति को और सबको ये चीजें पता चले कि अगर उनकी भी गलती है जिसकी भी गलती है इसमें वो यहाँ पे आए और बच्चों के रिजल्ट सही करे, बच्चों की किसी प्रकार से भविष्य के साथ खिलवाड़ ना। आज के लिए इतना ही, और अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ, धन्यवाद।